वेल, आखिर क्यों काट देते थे तुम गांव की बिजली इसदा? मुझे देख के ना जाने कितनी हसीना है फिसली इसदा। अरे दुनिया से फिसलने का टाइम आ गया थारा, हसीनाओं ने फिसला रहा है। कान पकड़े सॉरी बोल सबके सामने। वेल आई एम सॉरी इसदा। भाई तुम तो जान ही गए होगे कि मैं कोई नौटंकी वाली हूं नहीं, मैं हूं इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला। और यो जानने के लिए कि गांव की बिजली कौन काट रहा है, मैं नौटंकी वाली बन के तुम्हारे गांव आई थी और मिशन इज जो है सॉल्व्ड, और पता लग गया है कि मुजरिम कौन है, मुजरिम हो तुम। तो अब बोलो तुम्हारे संग क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? जी देखिए मैडम, ये सच है कि मैंने बिजली काटी, लेकिन ये सच नहीं है कि हमेशा बिजली मैं ही काटता हूँ। माइक टना टन है। हेलो हेलो। वेल व्हाट डू यू मीन इज द सीन संगीन तो फोटो रंगीन इज द। देखिए दादाजी, मेरा मतलब ये है कि मैंने ये पहली बार बिजली काटी और आप लोगों ने पकड़ लिया। लेकिन क्यों, आखिर क्यों किया आपने ऐसा? ऐसी क्या वजह थी जो आपको गांव की बिजली काटने के लिए मजबूर होना पड़ा? बोलिए बोलिए, बोलते क्यों नहीं? आपको बोलना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अपना मुंह खोलना पड़ेगा। बोलिए, बोलो 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 ना। आओ, आर यू मैड? बोलो जी। देखिए दरअसल बात यह है मैडम कि आप लोग गांव में बिजली लाए और ये जो यहाँ बैठा है शरबत, इसने गांव में बिजली की दुकान खोल ली जहाँ ये बड़े बड़े पंखे ले आया। अगर एक बार गांव में बिजली आ गई तो लोग पंखे खरीद लेंगे, उसके बाद मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। माइक टना टन है। हेलो हेलो। ये कौन सी जो है फालतू बकवास बात कर रहा तू यहाँ खड़ा खड़ा है? थारे घर से निकलने हैं और पंखों का क्या कनेक्शन हो रहा आपस में? है कनेक्शन मैडम, कनेक्शन है। एक बार गांव में बिजली आ गई तो लोग पंखा चलाएंगे और पंखा चलाएंगे तो मेरी वीक उड़ जाएगी। ये देखिए मैं टकला हूँ, मैं गंजा सरपंच, रेडी है मंच, माइक टना टन है। हेलो हेलो। मतलब बात यह कि हमारे गांव में नियम है कि कोई भी गंजा आदमी सरपंच नहीं बन सकता हमारे गांव में। खाओ फुल के बोलो खुल के हैं। इसीलिए मैडम, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि मेरा ये राज खुले और मैडम गांव को पता लग जाए कि मैं गंजा हूँ और मैं सरपंच ना रहूं, जबकि सरपंच होने के बाद मैंने गांव में उन्नति और गांव में विकास का बहुत काम किया है। मैडम बात तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनकी वजह से हमारे गांव में अस्पताल बना और इन्हीं की वजह से हमारे गांव में पानी भी आया। खाओ फूल के बोलो खुल के। ये, 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 ये। भाई तो फिर यो अच्छा आदमी है ना फिर? एक फालतू सा को किसने लगाया यो नियम? और हाँ, तुम में से कोई गाँव में यो ना बताएगा कि यो आदमी टकलूस है। पर बात अभी तक वही की वही है। अरे मेन कल्प्रिट कौन है जो गांव में बत्ती आने न दे रहा, काट रहा हमेशा? चलो ठीक है, वो मैं पता लगाऊंगी, आप लोग निकलो। मैडम एक बात मुझे कब से खटक रही है, क्योंकि हमारे गांव में जब अंधेरा होता है तो रात के सन्नाटे में एक बूढ़ा सा इंसान है ना, वो टॉर्च ऑन ऑफ करके घूमते रहता है। अरे शरबत ये क्या कह रहे हो तुम? मैडम मैंने सुना है कि दरअसल वो एक बुढ़े आदमी की भटकती आत्मा है। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं उसने भी। गोपी बिल्लो काम करो, रात को गांव में जाओ और देखो कौन हो रहा बुढ़ा अंकल जो लाइट ऑन आप कर रहा टॉर्च की। नहीं मैडम, ये तो बोल रहे हैं ना कि वो भूत है मैडम। या मोम, कहीं ले ना ले वो हमारी जान इसदा, बंदर जैसे है मेरे कान इसदा है। भाई गांव में भूत है या नहीं यो तो मन्ने बेरा कोई ना है, लेकिन चौकी में एक चुड़ैल कतई है। ओके ओके। वेल बिल्लू, तुम्हें क्या लगता है? मुझे डर लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ
मेरा कहने का मतलब है, तुम्हें क्या लगता है वो बुढ़ा आदमी होगा या भूत होगा? बुढ़े आदमी से डर नहीं लगता साहब, भूत से लगता है। वरना एक बुढ़े आदमी के साथ तो मैं अभी भी खड़ा हूँ। एक्सक्यूज मी भैया, अभी तो कहते हैं कि सच सच होता है। फिलहाल ये सोचिए कि वो भूत आज रात यहाँ ना आए। I am sorry, is the truck, car, the lorry, is the... हम लोग खुद नहीं आए भूसी, हमको भेजा गया है। हम लोग नौकरी करते हैं, हमारे बॉस लोगों ने हमको जबरदस्ती भेजा है, वरना हम कभी खुद आते नहीं है। अरे जब वैसे तुम लोगों को कैसे पता कि हम भूत हैं? देखा भैया, मैंने कहा था ना, अब ये खुद कह रहा है कि ये भूत है। ये हमारा नाम है भूतनाथ, हम पड़ोस के गांव में रहते हैं। आप सच्ची के भूत नहीं हो? अरे पगलाए गए हो का? अभी तो हम जिंदा हैं। चाचा जी कैसी बातें करते हैं आप? आपने खाम का डरा दिया। अगर आप भूत नहीं हैं, तो फिर ये टॉर्च बार बार जला और बुझा क्यों रहे थे? अरे वो इसकी बैटरी खराब हो गई। लेकिन तुम दोनों कौन हो? लगता है किसी पागल खाने से भाग के आयो। चलो हटो, परे हटो, जाने दो। भैया आपको पागल बोल के गया। तुम्हें कौन सा वो महाराजा पटियाला कह के गया? आइए आइए। Hi, how are you, madam? Oh, hi, handsome. I'm okay, Ritik. Yeah, what is the problem is the Delhi mein airport problem is the hey? Madam, हम लोग सोनगढ़ से आए हैं। सोनगढ़? अरे यो नाम सुना सुना सा दिखे मन्ने। मैडम सुना नहीं, वो है सोनगढ़, वो रनकगढ़ के पास का जो गांव है ना, वही है सोनगढ़। मैडम लगता है आपके नाम की प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई है और ये लोग आपसे नौटंकी करवाने का ऑफर लेके आए हैं। अरे अपना काम बोलो, हमें और भी काम है। मैडम हमें चोरी का इलाज चाहिए। ओहो, किसने दिल चुरा लिया, किसने चैन चुरा लिया यार, बता दो, शर्माओ ना, शर्माओ ना। हाँ इसे बता दो, टूटते खंडर के लटकते झूमर ने बता दो। और इसकी तरह ओढ़ लो बेशर्मी का कंबल। oh, no. लपाट पंती की चादर। सेमलेस आदमी। भैया अब ये मुंह आप किसी को दिखाने के काबिल नहीं रहे। बोल लो कुछ, बोल लो, आगे बढ़ लो। मैडम दरअसल हर अमावस्या की रात को हमारे गांव में चोरी हो रही और हम बस वैसे ही बैठे बैठे लूट रहे। अरे गांव में चोरियां हो रही हैं तो दरोगा के पास शिकायत लेके क्यों ना गए? करवाई थी मैडम, लेकिन किसी ने एक भी नहीं सुनी। एक काम करो, गांव के दरोगा ने बुलवाओ यहाँ ठाणे में। ओके। लंग आजा पतन चना दाया, लंग आजा पतन चना दा, तेनु सदका मेरे नादा यार, लंग आजा पतन चना। ओ बिल्लू सूट पहना कर तू, ये जीन्स वन पीस मिनीस तेरे लिए नहीं है।
तू भद्दी लगती है इनमें। आया आया आया। मत पहना कर। और वैसे भी जिन कपड़ों को देखकर तेरे पति को खुशी मिले वही कपड़े तो तुझे पहनने चाहिए ना। मोहल्ले की खुशी से तुझे कुछ नहीं मिलने वाला राजो। चल मेरे लिए एक मीठी सी चाय बना ला। जा। एक आवाज में सुन लिया कर। कुछ हुआ था क्या मैडम? यो तू इसका धर्म पति हुआ था और यो थारी धर्म पत्नी हुई थी। नहीं वो सब तो ठीक है पर तैने घना मजा आवे है न। खूब मजे लेता तू सारा दिन खूब टाइम पास हो गया थारा। ये के यो के यो सब के ओ जी मेरी मासी की कुड़ी की शादी है। फिर घर वाले कहते हैं जी कुछ काम में हाथ बटाऊं मैं यहां ले आया। मैं कह चलो गोटा लगा दूंगा जी। मैं तोड़ दूंगी मैं। भूलने के बाद में भी इतना गंदा टेस्ट मेरा कैसे हो सकता है? एक्सक्यूज मी। कौन? मैडम शिल्पा संगीत सीखने पड़ोस में गई है। रोजी छत पे टहल रही है। प्रमीला कॉलेज से बस आने वाली होगी। एंड रानू इज बिजी विद हर नानू। मोहल्ले भर की छोरियों का पूछ रही हूँ मैं। अबे वो कहाँ दरोगा सोनगढ़ का जिसको बुलवाया था। He'll be coming. मैं हूं सोनगढ़ का दरोगा। देखा जाएगा जो भी होगा। रात में सन्नाटा है। बीवी ने मारा चाटा है। क्यों जी ऐसा कौन सा कर्म कांड मारे घूम रहे हो जो बीवी चाटे बरसा रही? और नाम तो होगा कोई है ना जूही। क्या आपका नाम जूही है? नहीं ये तो मेरी बीवी का नाम है। यार तो बीवी का नाम क्यों बता रहा सबके सामने? अपना बताओ। मेरा नाम है गेंडा गुलाटी। बीवी है थोड़ी नॉटी। रात में सन्नाटा है। बीवी ने मारा चांटा है। दरोगा जी बात ये है आपके इलाके कुछ लोग आए थे चोरी की लिखवाने FIR इस दा और वो कह रहे थे आप उनकी सुनवाई करने को नहीं है तैयार इस दा। ये बात सही है मैडम जी कि हर अमावस्या की रात को मेरे गांव में चोरी होती है। चोर आते हैं नकाबपोश और वो चोरी कर वो कौन सा है वो रणगढ़ वहां पर भाग जाते हैं। What do you mean? एक्शन क्यों ना ले रहा तू? लिया था ना मगर उस एक्शन का रिएक्शन हो गया। मेरे घर पर एक बार नहीं दो दो बार चोरी हुई मैडम जी दो दो बार। शाबाश। हम दरोगा के खुद के घर में दो बार चोरी हो गई। क्या क्या ले गए? हाँ मैडम एक बार तो मैं वो नया नया टीवी लेकर आया था वो अमावस्या की रात को चोर आए और वो उसमें से वो एक नकाबपोश था। मैंने उससे बोला कि भैया मेरी बीवी ले जा बीवी ले जा बीवी ले जा। तो ले गए बीवी? नहीं टीवी ले गए। दूसरी बार मैं स्कूटर लेकर आया और अमावस्या की रात को फिर चोर आए। इस बार भी मैंने उनसे कहा कि मेरी बीवी ले जा बीवी ले जा बीवी ले जा। तो क्या वो स्कूटर ले गए? नहीं वो मेरा नया कंप्यूटर ले गए। क्या बताऊं मैडम किस मुंह से मैं अपने गांव वालों को बताऊं कि मेरे यहाँ पर चोरी हुई है। जहां माल होवे चोर भाई आते हैं चोरी करने। और बाय गुड लक कल की रात भी अमावस्या की रात से आज रात गांव में आएंगे एक मालदार सेठ सेठानी। बिल्लू की गाल दस। भैया पहले आप कंफर्म हो जाइए। एक की दस अभी आपने एक भी बोला है दस भी बोला है। अरे यार मैं तेरे ना पंजाबी च गल कर रहे हैं बताने कहते ना पंजाबी दे विच कहते गल दस दस मतलब बता। बीस को फिर क्या कहते हैं? तीस को क्या कहते हैं? चालीस पचास साठ। चुप करो ए वरना उड़ जाएगा मेरा हाथ। गल सुन ला कान खोल के मैं पंजाब पंजाबी और पंजाबियत एदे बारे कोई गलत नहीं सुन सकता समझा। हाँ
सोना है भैया। चलो सो जाते हैं। चलो, क्योंकि वैसे भी पूरे गांव को तो पता चल ही गया है कि बहुत अमीर सेठ सेठानी आए हुए हैं, और चोरों को भी पता चल गया होगा, तो जरूर चोर भी आते ही होंगे। चलो चलो। लाइट बंद कर दा। हाँ ये कर दो। नींदर आनी आउंदियां तेरे बाजू, नींदर आनी आउंदियां। भैया ये इस आवाज में गाना मत गाओ ना प्लीज। वेल ओके सो जा। भागने की कोशिश जरा भी मत करना, क्योंकि मारा निशाना कतई अचूक से। आओ जरा, आओ आओ, शर्माओ मत। अबे मुंह दिखाई तो करो कानून को अपनी। निकालो अपना अपना घूंघट। अबे निकाल। बात ये है कि हमारे सरपंच जी ने आपको अपने घर पे बुलाया है। रणकगढ़ की बिजली काटने वाले और कोई नहीं बल्कि तुम दोनों। Am I right? Yes, ma'am. बा घना कॉन्फिडेंट दिखे। अभी थाला निकालती हूँ मैं सारा कॉन्फिडेंस। अरे यार Well, अब तुम्हें चोरी करने का कभी नहीं मिलेगा चांसेस दा। कानून की धुल पे जेल में करना कैसा डांसेस दा। वाह मैडम, मान गए आपको, आपने अपनी सूझबूझ से आखिर ये केस भी सॉल्व कर दिया। वाकई में आप एक काबिल अफसर है। हाय। भाई जी लग रहा है यहाँ पे हौसला अफजाई करेगा हमारी, कतई मेडल चिपका देगा, टू स्टार से थ्री स्टार बना देगा तुमने। अरे चलो यार यहाँ टाइम पास, तुम हमारी इक्वेशन रिलेशनशिप में इंटरेस्ट मत लो, गड्डी में बैठो, चलो जीप में बैठो, चलो चल रहे चल, पिंक चल 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 चल। हाँ भाई मिस्टर गोपी। या भाई केस भी सॉल्व हो गया और काले चोर भी पकड़े गए, पर जो मेन काम है वो अभी तक ना हुआ। रणकगढ़ में बिजली का कनेक्शन अभी बिना बैठा है। वेल मॉम, मैं भी करवा देता हूँ। पहले तू अपना कनेक्शन तो करवा ले। ओके। इब घबराने की कोई जरूरत ना है, रणकगढ़ से बिजली इब कभी ना जाएगी। वाह वाह मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से हमारे गांव में बिजली आ गई। माइक तनाटन है। हेलो हेलो, हम मेरी दुकान में से बिजली का सारा सामान बिक जाएगा, खाओ फुल के बोलो खुल के। भाई मैं तो यही कहूंगी कि जिस तरह रणकगढ़ रोशन हो गया है उसी तरह देश के हर गांव में बिजली आ जाए, जहां आज भी अंधेरा। या दिस वन